किया है, यह हमारी देश की आत्मा पे हमला है। नौजवान है वो देश की आत्मा होती है, उसको प्रदर्शन करने का अधिकार है, आवाज उठाने का हक है, ये हक उसको संविधान ने दिया है। जब सरकार इस तरह से विश्वविद्यालय के अंदर घुसकर छात्रों पे वार करती है, मैं माँ हूँ, ये बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं, विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, आप इनकी लाइब्रेरी में घुसे हैं, इन्हें वहाँ से घसीट के आपने पीटा है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए लड़ेगा, इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा, जवाब मांगेगा और छात्र छात्राओं के साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री जी, जो महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है उस पर बोले, रोजगार पर बोले, जो कल यहाँ विश्वविद्यालय में हुआ इस पर बोले, किसकी सरकार ने पीटा उन बच्चों को, इन चीजों पर बोले प्रधानमंत्री जी। जो जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है इस पर बोले प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आज तक उसके बारे में क्यों नहीं बोले हैं? उनकी पार्टी के विधायक ने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया, उसके बारे में प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं बोले हैं? आज विजय दिवस है, आज बांग्लादेश का जो जंग था उसमें हमें विजय मिला था, तमाम लोग शहीद हुए उसके लिए, उनकी शहादत इस लोकतंत्र के लिए हुई, इस संविधान के लिए हुई, इस देश के लिए हुई। ये हमारा देश है, आपका देश है, उन बच्चों का देश है जिनको आपने कल पीटा, उन महिलाओं का देश है जिनका जिन पर अत्याचार होता है। हम सबको एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार गलत कर रही है। ये एक्ट संविधान के एकदम खिलाफ है, संविधान को नष्ट करने का एक तरीका है, एक जरिया है। हर हिंदुस्तानी को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। हो गया है प्रियंका गांधी का, और प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की आवाज को दबा रही है। इंडिया गेट पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी धरना दे रही थी, अब उनका धरना खत्म हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों पर हमला देश की आत्मा पर हमला है, ये अलोकतांत्रिक व्यवहार है, लोकतंत्र वाले इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। वहीं प्रधानमंत्री बोले कि इन बच्चों को किसने पीटा, जब उनसे सवाल किया गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि ये बिल सबके लिए है, इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और दूसरे मुद्दों पर बोले, अर्थव्यवस्था पर बोले और जो छात्रों के ऊपर हमला हुआ इस पर बोले।